बीजेपी की हार दिखने के बाद अब वो झारखंड विधानसभा चुनाव आने के दौरान अब अपनी पार्टी को साबित करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार अपने आप को साबित करने में लगी हुई है, झारखंड में अपने आप को दिखाने में लगी हुई है कि अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड की तरफ रुख हो चुका है भाजपा सरकार का। उसी दौरान आपको बता दें कि अमित शाह वहां पर भाषण देते हुए नजर आए, एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आ रहे थे और उन्होंने अटल जी की नीतियों को बताया। उन्होंने कहा अटल जी ने झारखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने झारखंड को संवारने का काम किया है। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है और इस बार विधानसभा चुनाव आने के दौरान फिर से वो सियासी घमासान में जुट चुके हैं। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे अमित शाह कि सिर्फ चतरा विधानसभा में करीब 73,168 शौचालय बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,91,270 लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 57,571 माताओं को इस जिले में गैस का चूल्हा देने का काम भाजपा सरकार ने किया। कांग्रेस और जेजेएम अब अली जाति की ही बात करते रह गए, जात पात की बात के आधार पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हमने कोई जाति नहीं देखी, मोदी जी ने एक ही जाति देखी है, वो गरीब। जो गरीब है उसके घर में सीधा फायदा पहुंचे, इसका प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। जिसके आपको बता दें कि यहाँ पर और भी कुछ कहती हुई नजर आ रहे थे अमित शाह, भाजपा की तारीफ करते हुए, अपनी तारीफ करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, रघुवर दास की तारीफ करते हुए, काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या कुछ अमित शाह बोलते हुए नजर आ रहे थे। देखिए ये खास वीडियो। भारत माता की। अरे भाई, चतरा वालों की आवाज को क्या हो गया है? चुनाव है ऐसे बोलोगे क्या? देखिए, मोदी जी दिल्ली में है पार्लियामेंट के अंदर, उनको मालूम पड़ना चाहिए चतरा में जनार्दन पासवान को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित चतरा के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री और लोकसभा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भाजपा के महासचिव श्रीमान सुनील सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठतम नेता और चतरा के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान जनार्दन पासवान जी, सिमरिया के हमारे प्रत्याशी श्रीमान किशुन कुमार दास जी, नरेश सिंह जी, श्री गोविंद राम दांगी जी, श्री युगल किशोर जी, बहन गंगा देवी जी, श्री नवीन शाह जी, श्री रजनीकांत सिंह जी, श्री रामविलास सिंह जी, श्री विनय कुमार सिंह जी, और आज की इस विशाल सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार, मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं चतरा की पवित्र भूमि पर आया हूं। मैं कुछ भी बात करने के पहले मां भद्रकाली
और माँ कौलेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। शहीद सुबेदार जय मंगल पांडे और नादिर अली खान, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपने जान की बलिदान दी, आज दोनों हुतात्माओं को सत सत नमन कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये झारखंड अपना भगवान बिरसा मुंडा की भूमि, भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने देश में सबसे पहले अंग्रेजों को चेताया, अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई लड़ी कि खाली करिए देश, ये देश हमारा है, वो भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। आज जब मैं यहां आया हूं तो बिरसा मुंडा जी को प्रतीकात्मक रूप से याद कर वो सैकड़ों आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान नौछावर कर दी। मित्रों, आज हम झारखंड का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भैया बैठ जाओ, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ जुड़कर चुनाव लड़े। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत बाबू को कि हेमंत बाबू, झारखंड के युवा जब अलग झारखंड के लिए लड़ रहे थे उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था? जब झारखंड के युवा शहीद हो रहे थे अलग झारखंड की रचना के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए अपनी जानों का बलिदान दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी क्या करे? मैं आपको बताने आया हूं माताओं बहनों भाइयों, आपको याद दिलाने आया हूं, जब तक कांग्रेस की सरकार रही झारखंड की रचना नहीं हुई। सैकड़ों सैकड़ों युवा शहीद हो गए, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, मगर झारखंड की रचना नहीं हुई। झारखंड की रचना कब हुई? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्रद्धेय अटल जी इसके प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया, इसी के कारण आज हमारा झारखंड राज्य बना है। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने और रघुवर दास जी ने झारखंड को सवारने का काम किया है, झारखंड को आगे ले जाने का काम किया। अगले वाला जो चुनाव है, आप 30 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तब वोट डालते वक्त ये याद रखना कि आपका वोट कोई विधायक को चुनने के लिए नहीं, आपका वोट हमारे पासवान जी को विधायक बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट झारखंड को किस दिशा में ले जाना इसके लिए आपका वोट है, प्रगति के रास्ते पर ले जाना या भ्रष्टाचार के रास्ते पर ले। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जब जब बनी इतिहास गवाह है, करोड़ों करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं मोदी जी और रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड में एक आना पैसा का भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं झारखंड की जनता को कहने आया, एक क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। पहले आप मुझे बताइए भैया, कमल फूल की सरकार आई उसके पहले शाम को गांव में बारात ले जा सकते थे क्या? जोर से बोलो जरा, ले जा सकते हैं? माताएं दीदी बहनें बैठी हैं, बताए शाम को बिटिया को शादी करा सकते थे क्या?
आज डंके की चोट पर रात को 12 बजे भारत लेकर गांव में जाए, कोई नक्सली की हिम्मत नहीं है हमारी भारत पर कोई गड़बड़ कर सके। मित्रों, झारखंड के अंदर नक्सलवाद को जमीन के अंदर 20 फुट नीचे दफन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। SBN 9 न्यूज़, नाज़मीन की रिपोर्ट।